हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड व्लॉग है और आज हम जा रहे हैं सदर बाज़ार पार्थ के बर्थडे की जो शॉपिंग थोड़ी बहुत रह गई थी वो सारा सामान लेने के लिए। और पार्थ बहुत ज़्यादा खुश है पर हम उसको लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि सदर बाज़ार में थोड़ी ज़्यादा क्राउड रहता है सदर बाज़ार में, इस वजह से पार्थ को घर ही छोड़ के जा रहे हैं। बट पार्थ ने हमें बता दिया है। पार्थ, आपके लिए क्या क्या लेके आना है बेटा? टी-रेक्स ट्रेन। तो पार्थ को हमें कुछ सरप्राइज़ देना था जो कि अभी रह गया है वो। और हम सदर बाज़ार के लिए निकल चुके हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद आपसे मिलते हैं। जैसा कि बता दिया होगा पूजा ने आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो एज यूजुअल हम पहुँचने वाले हैं और शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सदर बाज़ार पहुंचने वाले हैं। तो ये है सदर बाज़ार की पार्किंग, तो यहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे, रिक्शा लेके सदर बाज़ार जाएंगे। तो गाइस ये देखिए सदर बाज़ार कितनी भीड़ है, दूर दूर तक भीड़ भीड़ हो रखी है। अच्छा कितने रुपए के जूने ये है? ये 50 के। कितने? 13 पीस। अच्छा ये देखो गाइस 50 रुपए के 13 पीस हैं जूने के। ये दो क्लिप लिए हैं गाइस 50 की। तो क्या रुपये का है वो? साठ की एक। ये देखिए मार्केट में बहुत थक चुके हैं, हम रेस्ट लेने के लिए रुके हैं और ये मैडम चाय पी रही हैं। बहुत थक गए हैं, शॉपिंग भी अभी हमारी कुछ भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी बहुत थक गए हैं घूम घूम कर, तो इसलिए एक टी ब्रेक बनता है, टाइम हो गया था चाय पीने का, तो इसलिए हम चाय पी रहे हैं। ये देखिए गाइस कितनी सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, थक गए हैं। इतनी बड़ी मार्केट है सदर बाज़ार की, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामान तो बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ पे। कितना टाइम और लगेगा? बस अभी निकलने वाले हैं। शॉपिंग करके अब घर के लिए निकल लिए हैं और कुछ देर में अब हम घर पहुंच जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम पार्थ के लिए क्या लेके आए हैं। ये देखिए इनकी हालत, ये बिल्कुल टूट चुकी हैं और अभी ने थोड़ा मेट्रो में भी ट्रैवल करना है तो हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हेलो गाइस, बहुत थक चुके हैं हम शॉपिंग करके, जो लेने गए थे वो लेकर नहीं आए जो नहीं लेके आना था वो लेके आ गए हैं और फाइनली हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और अब हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं घूम घूम कर, तो अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ जी, तो हम घर आ चुके हैं तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है और पार्क के लिए क्या सरप्राइज़ लिया है जो हमने अभी तक उसको दिखाया नहीं है। कुछ टॉयज़ तो हमने उसको दिखा दिए हैं बट कुछ अभी उसका जो सरप्राइज़ है मेन है वो हमने उसको दिखाया नहीं है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या लेके आए। ये तीन बैलून के पैकेट हैं, ये 60 रुपीज़ का, ये 60 रुपीज़ का है, पर ये कितने रुपये का है? ये 50 का है, इसमें 100 पीसेज है। अच्छा इसमें 100 पीसेज है। क्या रंगोली कलर है ना? हाँ। ये कितने के लेके आए? ये 12 थे, पता नहीं 80 के। 80 के 80 के 12। हाँ 80 के 12 हैं। ठीक। ये दिवाली पे रंगोली बना। और ये क्या है?
ये बैलून फुलाने वाला है, ये पार्ट के बर्थडे के लिए लिया है। ये फ्री है साथ में अलग से लिया है? नहीं अच्छा। खरीदा है। अच्छा। ये कितने पे कर लिया? ये 40-50 बोला था मैंने, बार्गेनिंग की, 40 हो गया। और ये पार्ट का हैप्पी बर्थडे का है जो कि गोल्डन कलर में है, ये कितने रुपए का? 100 रुपए का ये। ये लेजर गन है, लेजर शूटर गन, पबजी वाली गन है ये। ये डक्स के लिए है, एक ध्रुव के लिए है। ये पड़ी हमें 500 रुपीज की वन गन। ये टू गन हमने उनके लिए लिए, बच्चों के लिए। और ये मैंने लिए हैं अपने लिए रबर बैंड, जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे कलर थे, तो मैंने अपने लिए खरीद लिए। और ये पार्क के लिए है पटाखा गन, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होती है, दिवाली के लिए पटाखे फोड़ने के लिए वाली गन है। 1/4 डक्स एंड 1/4 पार्क। ये 20 रुपीज की वन गन है। और पार्क के पटाखे दिखाओ, पार्क अपने पटाखे दिखाओ बेटा। पटाखे बोलते हैं इनको। ये 60 रुपए का वन पैकेट पड़ा है। हाँ जी, वैसे ये यहाँ पे 30 का वन मिलता है, वन पैक मिलता है। डिब्बी? हाँ, एक डिब्बी 30 रुपीज की। 30 की। अच्छा, लास्ट टाइम पार्क ने बहुत सारे यूज किए थे ना, ये तो मेरे को पता है। तो अब ये 60 का पूरा है, 60 का है ना? हाँ, 60 का पूरा पैकेट। हाँ जी। और ये मैंने लिए करवा चौथ के लिए थाली, मेरे पास जो कि पिछली बार वाली मेरी में वो हो गया था, एक जल गई थी वो, तो इस वजह से मैंने कितने रुपए की आई है वो थाली? ये आई है 180 की। 180 रुपीज की। एंड ये मैंने ली है हेयर क्लिप्स, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई। और क्या है ये ओनली 10 रुपीज के हैं, स्माइली वाले मैंने लिए हैं अपने इयररिंग्स। और ये हैं ग्रास वाले मैट, जो कि मेरे को काफ़ी टाइम से ख़रीदने थे, बट ये मेरे को मिल नहीं रहे थे, मेरे को वहाँ मिले तो मैंने ये ख़रीद लिए। ये 200 के बोले थे, बट मैंने बार्गेनिंग करके इनको 150 में ले लिया। और ये है बॉलिंग सेट, जो कि मेरी सिस्टर इन लो हैं, उनके ट्विंस हैं, उनका बर्थडे आने वाला है, तो उनके लिए ये ख़रीदे हैं। ये कितने के, क्या कैसे आए थे? ये आए थे 800 के। 800? हाँ जी, ये बॉलिंग सेट है, ये उनके लिए लिया है, वो ट्विंस है, तो दोनों इसके साथ खेल सकते हैं। बोले थे इसके, पर हमने रेट नहीं हुआ इसकी। हाँ जी, इसकी बार्गेनिंग तो आपने ही की थी ना। हाँ, फिर मैंने 800 लगाए। चलो, एंड ये है पार्क का सरप्राइज गिफ्ट, जो कि अभी तक हमने पार्क को दिखाया नहीं है और ना ही हम उसको अभी दिखाने वाले हैं। ये हम उसको बर्थडे वाले दिन ही सरप्राइज देंगे। चार्जेबल है ना, चार्जिंग, रॉक क्रॉवलर है ये जीप, जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद है ये में, तो हमने उसकी 1000 पड़ी ने। हाँ जी, ये 1000 की है, और ये हमने अभी उसको दिखाई नहीं है, उसके बर्थडे वाले दिन उसको हम ये सरप्राइज देंगे। घड़ी पे नहीं मारना और। पार्थ मना करो पापा को बेटा, घड़ी पे मारना है। हाँ, 4 रुपए लगे लगी। अरे वाह, पिछले साल वाले मारू। अच्छा पार्थ, आपके लिए जो सदर बाजार से हम टॉयज लेके आए, आपको अच्छे लगे? हाँ। तो आपका मन लग गया था हमारे बिना? हाँ। लग गया था? तो आप बार बार फोन क्यों कर रहे थे मम्मा के पास? बात करने के लिए। और आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो हमें वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।